मेरी एक जीजा जी की फ्रेंड है। शीला, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग कुकिंग विद शीला चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग राधे राधे सभी मेरे दोस्तों को। और ये मेरी फ्रेंड है जो आई थी, शाम के समय आई थी, जिससे मैं पहले भी आपको मिला चुकी हूँ। इसका भी यूट्यूब में चैनल है। और इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो फ्रेंडशिप डे का इसके साथ का डाल रखा है। तो अर्चना चली गई थी पर 8:30 बजे नहीं गई थी, फिर भी निकलते निकलते बात करते करते हम लोगों को 10 बज गए थे, 9:30-10 बजे गई थी। उसके बाद मैंने हल्का फुल्का कुछ खाना बनाया डिनर बच्चों को, और उसके बाद कुछ सब्जियां मैं बाज़ार से लेके आई थी, ज़्यादा तो नहीं, हरी मिर्च और धनिया टमाटर यही थे। तो मैंने सोचा इनको धो के रख देते हैं क्योंकि सुबह बहुत काम हो जाता है, फिर मतलब ज़्यादा ही लोड होने लगता है सुबह सुबह। तो मैंने सोचा कि रात को ये सारे काम कर देते। देखो अभी बर्तन भी धुलने मुझे, और धनिया ना आजकल थोड़ा सा भीगी हुई बारिश में आ रही तो रुकती नहीं है। तो मेरे पास 3 चटनी ख़त्म है, तो मैं इसकी चटनी बनाऊँगी। और यहाँ पर मैं जो डिब्बे पे साथ साथ धो के साफ करती हूँ, और फ्रिज का जो एक एक सेक्शन में निकाल के साफ कर रही हूँ क्योंकि जो है गंदा हो गया था। तो मैंने सोचा एक एक करके धो लेती हूँ, सामान भी नहीं बाहर निकालना पड़ेगा, एक धो के साफ करके उसमें जो सामान है शिफ्ट कर दूँगी, दूसरा निकाल के धो लूँगी। और ये सारे काम अभी मतलब रात के बज गए हैं, 11 बज गए मेरे को करते हुए, 11:15 हो गया था इस समय जो मैं ये सारे काम कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने मिर्चियाँ कपड़े में डाल दिया है ताकि ये सूख जाए, थोड़ा सा पानी इनका निकल जाए, तब तक मैं बर्तन साफ कर लूँगी जब तक मिर्ची और टमाटर ये सब सूखते हैं। बहुत टाइम हो गया था पर मैंने सोचा नहीं काम करके सोते क्योंकि सुबह बच्चों का स्कूल था। और बर्तन धो गए मेरे, उसके बाद ये मिर्चियों को मैं अच्छे से सुखा लूँगी। और इनको स्टोर करने का मैं तरीका बताती हूँ, मतलब ये लंबे समय तक आपकी मिर्चियाँ नहीं ख़राब होंगी। तो इनको बहुत अच्छे से कपड़े से साफ कर लें, बिल्कुल नहीं पानी रहना चाहिए। और इनके जो डंठल होते हैं ना, इनको तोड़ के आप अलग कर दें। अगर आप मतलब डंठल के साथ मिर्चियों को स्टोर करेंगे तो मिर्चियाँ आपकी बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। और डंठल निकाल के ऐसे सुखा के स्टोर कर दो डिब्बे में रख के, तो आपकी ये मिर्चियाँ लंबे समय तक चलेंगी, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होती है। साथ ही इस डिब्बे में मैंने अदरक रख दिया है, और अब बना लेते हैं ग्रीन चटनी, बना के रख देते हैं। तो मैंने धनिया डाला इसमें 1 चम्मच, जीरा डाला, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च डाला है। अगर आप लहसुन नहीं खाते इसके ऊपर, तो ये जो भुने चने होते हैं उनको छिकला निकाल के डाल दिया, और कुछ ये पीनट्स हैं इनको भून के छिकला निकाल के इनको भी डाल देंगे। साथ में मैं 1/2 लेमन डाल रही हूँ, ये थोड़ा सा खट्टा है तो इसलिए 1/2 डाला है। और साथ में एक थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ी सी मैं चीनी डाल रही हूँ, सेंधा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो चीनी से मीठा नहीं होगा पर चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, इनहेंस हो जाता है। तो ये देखिए मेरी ग्रीन चटनी बनकर एकदम रेडी हो गई है। और अगर आप और पतली रखना चाहते हो तो और पतली रख सकते हो, पर मैं ऐसी टेक्चर की रखूँगी। मैं पूड़ी पराठे मतलब किसी चीज़ से भी चटनी खा लो बहुत ही टेस्टी बनती है। और मैं भी सीधे मिल रही हूँ आपको दूसरे दिन सुबह, और वो काम करके सारा फिनिश करते सोते मुझे बच गए थे 12, बिस्तर पे मतलब जाते जाते मेरे को 12:30 बजे। यहाँ पे मैं टिफिन के लिए कद्दू की सब्ज़ी बना रही थी, उसके लिए मैंने पंचफोरन लिया था, साथ में मैंने अजवाइन लिया था। पंचफोरन में सौंफ, जीरा, मतलब सरसों, कलौंजी यही सब होता है। और यहाँ पे मैंने लाल मिर्चें डाल दी साबुत, और थोड़ी सी हींग डाल दिया है, और इसको थोड़ा सा पका लेंगे। एक बार इस तरह से आप कद्दू की सब्ज़ी बनाकर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनकर रेडी होती है। पंचफोरन मसाला, हींग, साबुत, मिर्च और थोड़ी सी अजवाइन के साथ। अभी मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिया, अभी इसको भी पका लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक।
और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपको, ज़रा सी भी मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और फ्रेंड और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर भी करें, और नोटिफिकेशन के साथ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और यहाँ पर मैंने अभी कद्दू ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी मैंने और कोई मसाला नहीं ऐड किया है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर हम सिर्फ नमक डालेंगे और हल्दी डालेंगे। इसको मिक्स करके हम पकने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको ढक के छोड़ देंगे। और कद्दू मतलब कई प्रकार से बनता है, पर ये कद्दू जो है सूखा ड्राई ड्राई कद्दू और बहुत ही टेस्टी बनता है। मेरे घर में तो मेरे हाथ का कद्दू सबका फेवरेट है, सब कोई बहुत पसंद करता है। और यहाँ पे बीच बीच में हम खोल कर इसको चलाते रहेंगे तो अभी देखिए हाफ पक चुका है, मतलब अभी 70% पक चुका है। तो अब ऐड करेंगे इसमें मसाले। तो मसालों में मैं यहाँ पे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पे हम मैंगो पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर डालेंगे यानी आमचूर पाउडर खटास देने के लिए। और इन मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए ढककर इनको फिर पकने के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद हाई फ्लेम करके हम सब्जी को थोड़ा सा फ्राई करेंगे तो सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो बच्चों को मैंने टिफिन लगा के दे दिया था और अभी यहीं पर कर रहे हैं हम वीडियो का एंड। तो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।